जी अस्सलाम वालेकुम, हाय व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैगविन ट्यूब। और आज हम डिस्कस करेंगे सादा पे अकाउंट को। बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि सादा पे अकाउंट है क्या, सादा पे अकाउंट कराने का क्या तरीका है, सादा पे अकाउंट आप कैसे ओपन करा सकते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि यार उसका सादा पे अकाउंट हो। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका अकाउंट कैसे ओपन करते हैं और इसमें क्या क्या अमेजिंग फीचर्स या बेनिफिट हैं, इसकी वजह से हर कोई चाहता है कि सादा पे अकाउंट होना चाहिए। तो आज हम सादा पे को डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपको एटीएम डेबिट कार्ड भी फ्री में मिलेगा, जो कि मास्टर कार्ड है, और इसके अलावा आप जो है ना मोबाइल ऐप भी यूज कर सकेंगे। इसमें लोकल ट्रांजेक्शन भी कर सकेंगे, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी कर सकेंगे। फ्री जो है ना मास्टर डेबिट कार्ड आपको मिलेगा। और इसमें जो सबसे मजे की बात है, क्योंकि इसमें ये अकाउंट ओपन करना सबसे ज्यादा आसान है, इसको मैनेज करना बहुत ज्यादा आसान है, इससे पैसे भेजना और जो है ना मंगवाना सबसे ज्यादा आसान है। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब आप ये अकाउंट ओपन कराएंगे, आप लोकल बैंक में तो पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे और लोकल बैंक इस अकाउंट में भी आपके पैसे आ जाएंगे। सबसे जो अहम बात है वो ये है कि आप इसके जरिए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। आप इसको पाकिस्तान में भी एटीएम में इस्तेमाल कर सकेंगे और बाहर जाएंगे तो बाहर भी इसको यूज कर पाएंगे, इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। और जो सबसे अहम बात है इसकी वो ये है कि आप ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी इसके थ्रू कर सकते हो। आप यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, अली एक्सप्रेस, अली बाबा, और इसके अलावा जो ना गूगल एड्स, और इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं इंटरनेशनली, आप उन सबको पे कर सकते हो। और अगर आप अपना रेवेन्यू इसके थ्रू लेना चाहते हो तो आप इसमें रेवेन्यू भी ले सकते हो, यूट्यूब का ले सकते हो, फ्रीलांसिंग का काम करते हो वो भी अर्निंग इसमें मंगवा सकते हो। तो कहने का मतलब यह कि जो सादा पे है अकाउंट है, ये बहुत ही जबरदस्त और शानदार अकाउंट है। आज इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आप भी इसके बारे में जानें और आप भी ये अकाउंट ओपन कराएं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। मैं सबसे पहले एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सादा पे अकाउंट है इसको ओपन करना भी आसान है और इसको मैनेज करना भी आसान है, क्योंकि ये सादा पे अकाउंट बिल्कुल भी ऐसा ही एक अकाउंट है जैसा कि आपका बैंक अकाउंट होता है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान में कोई बैंक है तो नहीं फिजिकली, इसका अकाउंट ऑनलाइन ओपन होता है। ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के बाद आप मोबाइल ऐप को भी लॉग इन कर सकेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको एटीएम डेबिट कार्ड भी मिलता है। ये बिल्कुल इजी पैसा और जायज कैश की तरह है, लेकिन पैसा और जायज कैश से ये एक बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन अकाउंट है, क्योंकि जब आप इजी पैसा या जायज कैश अकाउंट ओपन कराते हो उसमें एटीएम डेबिट कार्ड आपको फ्री नहीं मिलता, आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं। और इसके अलावा कभी कभी ऐप काम नहीं करती, लेकिन इसमें शानदार ऐप है। और इसके अलावा इजी पैसा और जायज कैश का जो सबसे डिसएडवांटेज है, जो सबसे गलत बात है, जो नहीं होना चाहिए, वो ये है कि जायज कैश और इजी पैसा के एटीएम कार्ड के थ्रू आप उसको बाहर, मतलब पाकिस्तान से बाहर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उसके एटीएम डेबिट कार्ड को आप जो है ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम सादा पे ऐप की बात करें तो जब आपका ये अकाउंट ओपन हो जाए, जब आपको इसका एटीएम कार्ड मिलेगा वो भी फ्री में मिलेगा, और इसके अलावा आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकेंगे इसके थ्रू, जितना मर्जी ट्रांजेक्शन करें। और इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तब भी आप इसके एटीएम कार्ड को यूज कर सकेंगे। तो मैंने यह चीजें लिस्ट की हुई हैं, तो मैं आप सारी चीजें आपको बताऊंगा अभी सब, हाउ टू ओपन अकाउंट, अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग पे मैं आखिर में जाऊंगा। इसमें अकाउंट ओपनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं कि कौन कौन लोग ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं, तो हर कोई जो है ना ये अकाउंट ओपन करा सकता है जिसकी उम्र 18 साल हो या उससे ज्यादा हो, मतलब जिसके पास शनाख्ती कार्ड है, कौमी शनाख्ती कार्ड है, तो आप ये अकाउंट ओपन करा सकते हो। और अगेन इसमें यहां मैंने चीजें लिखी हुई हैं कि इसमें बेनिफिट्स फीचर क्या है। इसमें जो है ना मास्टर डेबिट कार्ड जो है ना आपको फ्री में मिलता है, मास्टर डेबिट कार्ड के किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, जबकि पाकिस्तान में जब भी आप कोई अकाउंट ओपन कराते हो बैंक में, जब आप मास्टर कार्ड ऑर्डर करते हो तो उसके तकरीबन जो है ना 2500 से 3000 रुपए चार्जेस होते हैं, लेकिन सादा पे में जो है ना जो एटीएम सॉरी मास्टर एटीएम कार्ड है वो जो है ना बिल्कुल फ्री है। और अगेन मैं एक चीज रिपीट करूं जो कि समझने वाली बात है, इसमें आप
पाकिस्तान में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो और पाकिस्तान से बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसमें आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो जो कि बहुत ही बड़ी बात है, और अकाउंट ओपन करना और मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान है। और ये जब आपको मास्टर डेबिट कार्ड मिलेगा तो उसकी किसी किस्म के कोई जो है ना चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और इसमें जो अहम बात है, इसमें जब आप पैसे किसी को भेजेंगे तब भी जो है ना आप पे किसी किस्म के चार्जेस नहीं पड़ेंगे। आप जो है ना पाकिस्तान के किसी भी बैंक में अपने सादा पे अकाउंट के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू किसी को भी पैसे भेज सकते हो, और कोई भी शख्स जिसका पाकिस्तान के किसी भी बैंक में अकाउंट है वो भी आपके सादा पे अकाउंट में जो है ना पैसे भेज सकते हैं, जैसा कि फंड ट्रांसफर में जाके, जैसा कि वहाँ एचबीएल यूबीएल जो भी लिस्ट आता है बैंक का, तो वहाँ आजकल बैंक्स ने सादा पे को भी ऐड किया हुआ है। सादा पे को सिलेक्ट करके आप अपने किसी भी पाकिस्तान के किसी भी बैंक के ऐप से अपने सादा पे अकाउंट में जो है ना पैसे भेज सकते हो। इसमें ये चीज़ याद रखिएगा, जब आप सादा पे अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर होगा, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए आपको सादा पे की तरफ से इंटरनेशनल अकाउंट नंबर, जिसे हम कहते हैं कि आई बैन नंबर, आपको जारी किया जाता है, ताकि आप अगर बाहर से भी पैसे मंगवाना चाहें तो अपने सादा पे अकाउंट में बाहर से भी पैसे मंगवा सकें। और इसमें जो है ना फ्री बैंक ट्रांसफर है, आप किसी को फ्री में पैसे भेज सकते हो, और जो आपको कोई पैसे भेजेगा उस पर भी किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, जो एक बहुत ही एडवांटेज है, बहुत ही शानदार बात है। और आल्सो कैन बी अप्लाई फॉर पेपा एटीएम कार्ड। उसमें एक अहम बात आपको, उसमें आप दो तरह के एटीएम कार्ड हासिल कर सकते हो, एक तो यह है कि मास्टर एटीएम कार्ड अप्लाई कर सकते हो, दूसरा है पेपा एटीएम कार्ड। लेकिन जो मास्टर एटीएम कार्ड है वो बिल्कुल सादा पे की तरफ से बिल्कुल फ्री है, फ्री किसी के कोई चार्जेस नहीं है, सालाना भी कोई फीस नहीं है और किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। और इसके अलावा जब आप पेपा का एटीएम कार्ड ऑर्डर करेंगे तो उसके जो है ना 700 रुपए आपको देने पड़ेंगे, तो इसलिए हर कोई चाहता है कि मास्टर कार्ड ऑर्डर करें, क्योंकि मास्टर कार्ड जो है ना आप पाकिस्तान से बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हो और उसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। लेकिन जब आप पेपा कार्ड ऑर्डर करोगे आपको 700 रुपए भी देने पड़ेंगे, और उसको सिर्फ आप पाकिस्तान में इस्तेमाल कर पाएंगे, पाकिस्तान से बाहर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी नहीं कर सकेंगे। और इसमें जो सबसे अहम बात है कि इसकी जो ऐप है वो बिल्कुल भी, मतलब इसमें कोई मसला नहीं होता। ऑन द अदर हैंड यूबीएल एचबीएल या बाकी एलाइट बैंक की जो बैंक जो होते हैं ऐप, उसमें बाद अवत मसला आ जाता है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होते, ऐप काम नहीं करती, बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो मोबाइल टॉप अप, इसमें अपने मोबाइल जैसा कि बाकी बैंक्स के थ्रू आप जो है ना अपने बिल पेमेंट्स कर सकते हो, आप जो है ना इजी लोड कर सकते हो, और इसके अलावा कोई पैकेजेस वगैरह कर सकते हो, तो सेम इसी तरह सादा पे में भी वो सारी चीज़ें हैं जो कि किसी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में हैं। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है इसमें, हो जाना जैसे कि मैंने बताया कि अकाउंट ओपन करना आसान है, इजी है, और जो है ना स्मार्ट अकाउंट है और बेस्ट फॉर विद इन कंट्री एंड आउट ऑफ कंट्री यूज, और इसको आप पाकिस्तान के बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हो, पाकिस्तान में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही जबरदस्त और शानदार अकाउंट है, और मोबाइल ऐप को यहाँ आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप जो है ना लैपटॉप के थ्रू भी ओपन कर सकते हो, और जो है ना मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। आप जो है ना सादा पे के जो है ना वेबसाइट पे जाएंगे, सादा पे के वेबसाइट, अच्छा जी, सबसे पहले आप क्या करेंगे अकाउंट ओपन करने के लिए, गूगल पे जाएंगे, सादा पे जो है ना सर्च करेंगे, सादा पे सर्च करने के बाद आप सादा पे की जो वेबसाइट है इस पे जाएंगे। ये भी मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ, आप इसको मोबाइल का ब्राउजर भी ओपन करके आप वहाँ से भी कर सकते हो। आप मोबाइल से करना चाहें तो मोबाइल से भी कर सकते हो, अगर लैपटॉप पे अकाउंट ओपन करना चाहें तो लैपटॉप पे भी कर सकते हो, लेकिन आपको जाना वेबसाइट पे ही पड़ेगा, सादा पे की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सादा पे की जो वेबसाइट है उस पे जाएंगे। उस पे आने के बाद यहाँ साइन अप नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साइन अप नो पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ जो है ना आप कोई भी नाम एंटर करेंगे। यहाँ जो है ना मैं ए बी सी डी एक नाम एंटर कर देता हूँ। यहाँ आपने फर्स्ट नेम एंटर करना है, व्हाट इज योर फर्स्ट नेम। उसके बाद सेकंड में आप जाएंगे, आपने अपना दूसरा नेम भी एंटर करना है। यहाँ मैं एक्स वाई जेड कुछ भी एंटर कर देता हूँ, उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद जो है ना आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहाँ मैं ऐसी एक मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। यहाँ आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ आप कोई भी ईमेल एड्रेस जो है ना एंटर करेंगे, उसके बाद ऑल डन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे कहा जाएगा, जो इंटरफेस पे आएगा वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। वो कहने का, मैंने आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, अब वो आपसे कह रहे हैं कि आपके पास जो भी मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है तो एंड्रॉइड स्टोर से, अगर एप्पल का मोबाइल है तो आप एप्पल स्टोर से जो है ना सादा पे ऐप को डाउनलोड करें। सादा पे ऐप को आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे उसको ओपन करें, ओपन करने के बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर जो है ना आपको एंटर करना पड़ेगा, जो आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन में एंटर किया वो करेंगे। उसके बाद आपसे कुछ तफसीलात मांगी जाएंगी, क्या आपका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब आपका शनाख्ती कार्ड बना, और उसके अलावा मदर नेम क्या है, अम्मी का नाम क्या है, और इसके अलावा कुछ और तफसीलात मांगी जाएंगी। उसके बाद आपको जो है ना लाइव एक तस्वीर भी देनी पड़ेगी,
वो आप देंगे तो फिर ये जो अकाउंट है आपका ये जो है ना रिव्यू में जाएगा, 24 घंटे इसमें वो देखेंगे कि आपने जो तफसीलात दी हैं वो ठीक हैं कि नहीं है। जब वो तफसीलात ठीक होंगे तो फिर आपको एक ईमेल एड्रेस पे ईमेल आएगी आपके मोबाइल नंबर पे, और व्हाट्सएप पे भी आपको एक मैसेज रिसीव हुआ कि आपका सादा पे अकाउंट का जो है ना अकाउंट ओपन हो चुका है। अब आप जो है ना मोबाइल ऐप पे जो है ना अपना अकाउंट पे पासवर्ड वगैरह सेट करके आप अकाउंट को यूज कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो यहाँ आपको जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है ना मेरा ये मास्टर डेबिट कार्ड नजर आ रहा है, यहाँ मेरे पास उस वक्त बैलेंस जीरो है, रिसेंटली मेरा अकाउंट ओपन हुआ और उसमें जो है ना जैसे ही मैंने अकाउंट ओपन किया मैंने अपने ही अकाउंट में 100 रुपये भेज दिए, और उसके बाद जो है ना अपने सादा पैसे फिर अगेन अपने HBL के अकाउंट में भेजें। जस्ट मैंने चेक किया कि कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता, फंड ट्रांसफर में कोई इशू वगैरह तो नहीं होगा, तो जस्ट मैंने चेक करने के लिए ये किया है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है पेमेंट्स पे क्लिक करके आप जो है ना बिल या जो है ना इजी लोड वगैरह भी कर सकते हो, या सेट मनी पे क्लिक करके आप किसी भी लोकल बैंक को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, जितने भी पाकिस्तान में बैंक हैं आप उन सबको पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। और उसके अलावा आपके पास कोई भी अकाउंट है UBL, HBL, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, नेशनल बैंक या कोई भी, आप उसके थ्रू अपने सादा पे अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, और उसमें जो है ना जो कुछ आप बाकी जो आपके बैंक अकाउंट होते हैं उसमें कर सकते हो, सेम वही आप सादा पे अकाउंट में भी कर सकते हो। और इसके अलावा आप इस पर क्लिक करके अपना जो आपका मास्टर डेबिट कार्ड है या आप पेपा ATM कार्ड जो भी ऑर्डर करेंगे उसको वर्चुअली यहाँ भी देख सकेंगे। व्यू पे क्लिक करके आपको यहाँ जो है ना आपके कार्ड के नंबर नजर आएंगे, एक्सपायरी डेट नजर आएगा और यहाँ CVV कोड भी नजर आएगा। तो याद रखें जब आप अकाउंट ओपन कराएंगे उसके बाद जो है ना आपका आपकी मर्जी है आप ऐप को यूज करें या जो है ना क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करने के लिए आप जो है ना तफसीलात तो कार्ड के यहाँ से देख सकते हो, उस पर क्लिक करके यहाँ आपको कार्ड के नंबर शो होंगे, एक्सपायरी शो होगा, CVV, यहाँ व्यू पे क्लिक करके आपको ये सारी तफसीलात नजर आएंगी। भी मैं क्लिक नहीं कर रहा ताकि इसको कोई गलत इस्तेमाल ना करे, तो आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आपको फिजिकल कार्ड चाहिए तो उसके लिए जो है ना आप ऑर्डर कर सकते हो, उसके लिए आपने इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने फिजिकल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है ना कुछ कॉन्फिडेंशियल तफसीलात हैं ताकि वो आपको नजर ना आए, इसी वजह से मैं क्लिक नहीं कर रहा। बाकी ATM डेबिट कार्ड चाहिए, आप मास्टर कार्ड अप्लाई करना चाहें, चाहे आप पेपा ATM कार्ड अप्लाई करना चाहें, उसका अप्लाई करने का क्या तरीका है मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ यूट्यूब चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है कि आप ये अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आप मास्टर कार्ड अप्लाई करेंगे तो मास्टर कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हो, और पेपा कार्ड अप्लाई करना चाहो पेपा कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हो, और इसके अलावा अगर आप अपने सादा पे अकाउंट के थ्रू किसी भी बैंक में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो तो किसी को कैसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, और इसके अलावा आप किसी भी बैंक से अगर अपने सादा पे अकाउंट में अकाउंट ट्रांसफर कराए उसके लिए आपका जो HBL अकाउंट है, UBL है, या लाइट है, या मिजान बैंक है, उसमें जैसे फंड ट्रांसफर करते हैं नॉर्मली फंड ट्रांसफर में जाएंगे, और जैसा कि आप जिस भी अकाउंट में पैसे भेजने हैं UBL HBL में उसमें उसकी जगह पे हम सादा पे को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप जितने भी मोबाइल ऐप्स हैं उन्होंने अपने बैंक के ऑप्शन में सादा पे को जो है ना ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप किसी को बआसानी पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हो और जो है ना मंगवा भी सकते हो और मोबाइल टॉपअप भी कर सकते हो, बिल भी पे कर सकते हो, मतलब कि इसको ओपन करना भी बहुत ज़्यादा आसान है और उसको इस्तेमाल करना भी ज़्यादा आसान है। और अगर आप अपना अकाउंट नंबर पाकिस्तान से पैसे मंगवाना चाहते हो तो आपका मोबाइल नंबर ही आपका जो है ना अकाउंट नंबर है, और इसके अलावा जो है ना अगर आप इंटरनेशनली पैसे ट्रांसफर मंगवाना चाहते हो तो आपको आपका IBAN नंबर मिलेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो ऐप है इसमें जो है ना लोड मनी का ये जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपना लोकल अकाउंट नंबर भी नजर आएगा और इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर जो है ना वो भी आपको नजर आएगा, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप जो है ना पैसे जो है ना मंगवा सकेंगे। अभी मैं आपको इस पर क्लिक करके दिखा भी दूंगा। अच्छा जी, इस पे लोड मनी पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लोकल पैसे मंगवाने के लिए लोकल रिसीव लोकल ट्रांसफर के लिए अगर आपने अपने किसी ऐप से मोबाइल ट्रांसफर करने हैं पाकिस्तान से या किसी और ने आपने करने हैं तो आपको जो आपका अकाउंट नंबर है वो आपका मोबाइल नंबर है, जिस पे से मैंने लाइन लगा दिया था कि आपको मेरा मोबाइल नंबर नजर ना आए। और इंटरनेशनली जो है ना अकाउंट पैसे मंगवाने के लिए आपके पास इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर ये है आपका सादा पे IBAN नंबर, जो इंटरनेशनली जैसा कि एक बैंक अकाउंट नंबर होता है, जैसा कि आपका चेकबुक पे नंबर इंटर होता है, तो सेम इसी तरह PK92 सादा और जो है ना जी आपका अकाउंट नंबर है। तो इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि जी बिल्कुल जैसा कि आपका एक बैंक अकाउंट होता है सेम बैंक अकाउंट की तरह इसको आप आसानी से इस तरह ओपन कर सकते हो और मोबाइल ऐप को यूज कर सकते हो। फ्री जो है ना आपको मास्टर कार्ड मिल रहा है, इसको मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको आप समझते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये ओपन करना बहुत ज़्यादा आसान है, इंटरनेशनली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जायज कैश इजी पैसा या बाकी जो वैलेट्स अकाउंट्स होते हैं तो उनको जो है ना आप इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, और जो आपको ATM डेबिट कार्ड मिलता है वो भी आप पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हो, बाहर नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसके अलावा जब आप कोई अकाउंट ओपन कराना हो तो जाहिर बात है आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो सादा पे का अकाउंट ओपन करना ज़्यादा आसान है और उसके फायदे
फायदे बहुत ज्यादा हैं, जो कि मैं काफी टाइम से आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप सादा पे का अकाउंट ओपन करके इसको एंजॉय कर सकते हो। और जो है ना, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सादा पे के हवाले से या किसी भी बैंक के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, बैंकिंग के हवाले से मैं वीडियोस बनाता होता हूँ, तो उसके लिए आप मेरे मुतलका प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको बैंकिंग के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप मेरी सारी वीडियोज देख सकते हो। सादा पे अकाउंट आप इस तरीके से ओपन करें। और डिस्क्रिप्शन में मैं ये भी दे रहा हूँ कि आप ATM डेबिट कार्ड अप्लाई करने का क्या तरीका है, अगर आप किसी बैंक में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, इजी लोड कैसे कर सकोगे सादा पे ऐप के थ्रू, और बिल कैसे पे कर सकोगे, और ये सारी चीज़ें मतलब डिस्क्रिप्शन में कुछ अहम लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, वो आप लाजमी देख लीजिएगा। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।